सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा के लिए जाने वाले गाइस ट्रेन सिमुलेटर। तो गाइस, मेरा ना बहुत दिनों से घूमने का मन कर रहा है, पर क्या करूं, घर में मेरे कोई नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं घूम नहीं पा रहा हूं गाइस। तो मैंने सोचा अपने भाई लोगों को भी घुमा दिया जाए, चलो देखते कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन कहीं जा रही है। तो डोरोंडो एक्सप्रेस कहीं मुंबई तक जा रही है, तो चलो मुंबई के दर्शन भी कर लिए जाए गाइस। तो यहाँ पर अपनी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है जो कि रेडी है चलने के लिए। हम कनेक्ट करते हैं अपना पेंटोग्राफ और भगाते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रेन को। और गाइस, प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा ये ब्यूटीफुल जर्नी और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि गाइस जर्नी में ना काफ़ी ज़्यादा नज़ारे दिखने वाले हैं और मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है गाइस। तो अपनी ट्रेन यहाँ से जा चुकी है और ये बहुत ही प्यारी सी आवाज़ ये रेलवे स्टेशन की गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ओके, तो यहाँ से अपनी एक्सप्रेस ट्रेन चलने को तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे गाइस रफ्तार भी काफ़ी पकड़ रही है। और यहाँ से अभी मुझे ना अपना ट्रैक चेंज करना है, तो तुम्हारा भाई जल्दी से ट्रैक को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो क्या पता मुंबई की जगह दिल्ली ना पहुँचा दूँ मैं ऐसे। तो इसलिए आराम आराम से हम चलते हैं। अभी तो अहमदाबाद एक्सप्रेस में ये रुकेगी और भी अपने भाई लोग चढ़ेंगे ट्रेन में, तो चलो देखते हैं। बस गाइस, इसकी ना मुझे एक ही चीज़ बेकार लगती है कि कोई भी ट्रेन के अंदर मुझे खाली पैसेंजर ही दिखते हैं, कोई भी नहीं चढ़ता, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर अभी आराम आराम से अपनी ये ट्रेन को लेके जाएंगे। आपको हर तरह से मैं शॉर्ट दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। ग्रीन सिग्नल मिल चुका है मुझे और बोला जा रहा है कि 40 की रफ्तार में चलाओ इस ट्रेन को, पर अपनी रफ्तार कुछ ज़्यादा है तो मैं ना इसे कम कर लेता हूँ। येल्लो का अपना सिग्नल मिल चुका है तो मैं थोड़ा मद्दी कर लेता हूँ इस गाड़ी को। तो यहाँ से गाइस अपनी गाड़ी को मद्दी कर ली है, क्या पता येल्लो के बाद ना गाइस हमें रेड भी मिल जाता है। तो रेड मिलने की बाद अगर हमने रेड लाइन को पार किया तो गाइस दिक्कत हो जाएगी, अपना चालान आलान कट जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने गाड़ी को खड़ी कर दिया है, हम भी कोई प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं भाई इस जर्नी में। तो मेरे ख्याल से कोई ट्रेन आ रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। तो गाइस यहाँ से अपनी एक और मालगाड़ी निकलती हुई, माल नहीं, ये भी अपनी जैसी गाड़ी है गाइस। पता नहीं इसमें ऐसा क्यों होता है रेलवे की तरफ से कि एक गाड़ी को रुकना पड़ता है तभी दूसरी जाएगी। तो चलो, ये तो कोई मालगाड़ी नहीं थी इसमें, मेरे ख्याल से गेम में ही ऐसा है, रियल लाइफ पे शायद ऐसा ना हो। तो चलो मालगाड़ी को अपनी चालू करते हैं, यहाँ से तो अपन फिर से मज़े लिए जाएँ गाइस अपनी इस जर्नी के। ओके, तो चलो अभी मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को भगाता हूँ। तो चलो इस ट्रेन को धीरे धीरे भगाते हैं गाइस। और ये अपनी ट्रेन ना बहुत ही स्लो रफ्तार पकड़ रही है क्योंकि मैंने थ्रॉटल भी फुल दे रखा है। देखो गाइस, अभी बस ये ना 30 की रफ्तार में ही भाग रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कैबिन का लुक। अपने कैबिन में कुछ खास देखने लायक तो है ना, यहाँ पर मीटर्स में स्पीड वगैरह शो हो रही, बस मुझे इसकी ये दिक्कत लगती है कि मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड का ही नज़ारे देख सकता हूँ और सामने का राइट हैंड साइड का मुझे नहीं पता क्या चीज़ है वहाँ पर। तो चलो, इसमें यही दिक्कत रहती है। आपको बाहर धूप ज़्यादा हो रही थी ना, इसलिए मैं कैबिन के अंदर ले आया हूँ गाइस आप लोगों को। तो चलो, अभी यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर, पर मुझे तो लगता नहीं कि ये इतनी तेज़ भाग पाएगी। और 150 की स्पीड लिमिट दी गई है और यहाँ पर मिल चुका है येलो सिग्नल। तो 150 क्या 50 की रफ्तार में भी अपनी ट्रेन भागी नहीं है अभी तो। येलो सिग्नल बहुत जल्दी आ जाते हैं इस पर। तो चलो, मैंने यहाँ से ले लिया है अपना एक ठो राइट टर्न। अब देखते हैं गाइस, मेरे ख्याल से स्टेशन अपना आ चुका है। तो चलो, यहाँ से अपनी गाड़ी की रफ्तार हम कर लेते हैं कम। और देखो गाइस, यहाँ पर जैसे ही स्टेशन आता है ना, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो चलो, यहाँ पर आ चुका है अपना स्टेशन और मुझे स्टॉप करने का भी सिग्नल मिल चुका है गाइस। तो वेलकम है आप सभी लोगों का अहमदाबाद स्टेशन में। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है गाइस। और चलो देखते हैं मुझे कहाँ पर गाड़ी को रोकना है। वैसे ये गाड़ी अपनी ज़्यादा लंबी तो है नहीं, तो चलो देखते हैं आप लोगों को स्टॉप करने का ऑप्शन कहाँ पर है। हाँ गाइस, वो एंडिंग पे ही है स्टॉप करने का ऑप्शन। तो चलो, मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे लेके चलते हैं आगे की तरफ। और पैसेंजर तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, पर तुम्हारी बैग्स की टांग, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। हाँ गाइस, अंदर इन लोग होते ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, आप लोगों को दिखाता कि इन लोग क्या हरकतें कर रहे हैं ट्रेन में। तो गाइस, हमने गाड़ी को रोक दिया है और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं पैसेंजर का। चलो, तो इन लोग मेरे ख्याल से बैठ ही चुके होंगे। और गाइस, ये रेलवे स्टेशन की क्या ही अनाउंसमेंट होती है ना, दिल को छू लेते हैं इन लोग। गाड़ी नंबर फलाना ढमकाना आ रही है ये वाले रूट पे। तो चलो, अब अपन को चलना सूरत पे चलेंगे हम। अब
यहाँ पर गाइस देखो कोई भी पैसेंजर मुझे दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा था लोग अंदर का भी, क्या ही मस्त नज़ारे चल रहे हैं यहाँ पर ट्रेन में गाइस, मज़ा सा ही अलग रहता है। तो चलो अब मैं कैबिन से यहाँ से निकलता हूँ, या नहीं तो मेरी ट्रेन ठोक ठोक जाए पता नहीं। तो यहाँ से गाइस अपनी ट्रेन की ये सिनेमेटिक शॉट मैं दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को, और यहाँ पर थोड़ी सी ही दूरी में हम पहुँच जाएँगे सूरत। तो चलो देखते हैं सूरत में किसकी सूरत दिखती है हमें। और ये देखो बड़े बड़े कंटेनर्स दिख रहे हैं गाइस, देख लो ट्रेन से भी हाइट पे ज़्यादा है। ये कंटेनर का क्या यूज़ होता है तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार भाई को ज़रूर से बताइएगा, ओके गाइस। और यहाँ पर अपने दूसरे रूट पे एक और ट्रेन खड़ी हुई है, और मुझे लेना है यहाँ से राइट टर्न, तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ राइट टर्न, क्योंकि तुम्हारा भाई को नहीं जाना है कोई और रूट पर। तो यहाँ से ले लिया है गाइस मैंने राइट टर्न, और तुम्हारा भाई पहुंच ही चुका है स्टेशन के अंदर, और ये अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। चलो फिर से पैसेंजर को लेते हैं, और गाइस दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का सूरत पे। बहुत ही पास पास स्टेशन है यार यहाँ पर, अहमदाबाद टू सूरत तो कभी पलक झपकते ही मैं पहुँच गया यहाँ पर। तो चलो अब मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, और फटाफट तुम लोग सारे के सारे पैसेंजर लोग चढ़ जाओ, जो कि जो तुम लोग मेरे ख्याल से भूत ही लोग हो। तो यहाँ से गाइस तुम्हारे भाई की ट्रेन खड़ी हो चुकी है, अब यहाँ पर फिर से चलना है। अब हमारा कोई भी स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट हमें मुंबई की तरफ ही जाना है गाइस। तो यहाँ से तुम्हारे भाई ने फिर से अपनी गाड़ी को चालू कर दिया है। अब देखो अब तो तुम्हारा भाई 150 ही टपक आके ही रहेगा यहाँ पर, और ये पता नहीं बड़े बड़े पोस्टर्स में ट्रेन का क्या है रोल चल रहा है। बड़े बड़े पोस्टर्स तो गाइस मैंने देखे थे, पर ट्रेन के पोस्टर पहली बार देख रहा हूँ। ट्रेन का भी प्रमोशन चलता है क्या यहाँ पर? तो चलो अभी ये तुम्हारा भाई अब देखो क्या ही भगाता है। और गाइस आगे ना एक तो ब्रिज भी पड़ता है, रियल लाइफ में तो पड़ता ही है, अब पता नहीं गेम में पड़ जाए ना तो मज़ा सा ही आ जाएगा। अब अपकमिंग अपना ट्रैक है 140 किलोमीटर की दूरी पर है, तो तुम्हारा भाई अभी फुल रफ्तार गाड़ी चला रहा है, और देखते हैं यहाँ 35 की यहाँ पर स्पीड लिमिट दी गई है गाइस। तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाऊंगा, क्योंकि गाइस इस ट्रेन को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा ही है। अगर ये ट्रेन 150 की रफ्तार में पहुँच जाए तो रेड सिग्नल हमें क्रॉस नहीं करना है, ओके। तो ये अभी येल्लो चल रहा है, और ये लाइट्स वगैरह है कैबिन में, कैबिन का नज़ारा भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब मुझे दिख रहा है गाइस राइट हैंड साइड में भी बहुत ही मस्त नज़ारे हैं यहाँ पर, और स्पीड लिमिट आ चुकी है 50 की, और हमारी गाड़ी चल रही है 60 पे, तो हम थोड़ी सी रफ्तार कम कर लेते हैं। और गाइस कैबिन में पंखे लगे हुए हैं 2 यहाँ पर, और फिर से वो पोस्टर आ चुका, पता नहीं इस पोस्टर का क्या काम है। तो गाइस अभी तो अपनी गाड़ी चल रही है, और आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारे। तो यहाँ से गाइस ये देखो, हमने कहा था ना इतने हरे भरे खेत से हम अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, और ये बड़े सा पहाड़ आ चुका है यार, पहाड़ के ऊपर से ये चल रहा है अपने सिनेमैटिक शॉट। काश मैं इसके अंदर का भी नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ गाइस, ये मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये पता नहीं ऑटोमेटिक से ही सेट है यहाँ पर। और अपनी गाड़ी पर अटैच्ड हैं कितने डब्बे अटैच हैं, मैं गिनता हूँ 8 डब्बे अटैच हैं गाइस, देख रहे हो तुम्हारे भाई की मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और ये यहाँ से एक और पहाड़ी के अंदर से अपनी गाड़ी को ले जाते हुए हम पता नहीं और कितनी दूर पे है मुंबई, मुंबई सिर्फ तकरीबन अपने 100 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है, पर मुझे तो नहीं लगता कि इतने हैं, क्योंकि गाइस वहाँ पर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड पर डिस्टेंस लेफ्ट 0 बता रहे, तो बस अपना मुंबई काफ़ी नज़दीक में ही है। तो अपनी गाड़ी को हम रफ्तार में भगाते हैं अभी, पर ये स्पीड लिमिट बढ़ती क्यों नहीं है यार इसकी, कभी गाइस स्पीड लिमिट हमेशा 35-40 की ही रहती है, पता नहीं क्यों क्या रीज़न है, हमें भी मौका दो 100-150 की रफ्तार भगाने का तो मज़ा सा ही आ जाए। तो यहाँ पर गाइस हमने नज़ारे तो बहुत सारे देखे, पहाड़ देखे, या कोई नदी वदी भी आ जाए बीच में तो और मज़ा सा आ जाए। और ये पोस्टर बार बार मुझे इरीटेट कर रहा है, बार बार ये पता नहीं क्यों सामने आ जाता है यहाँ पर। तो चलो अभी तो यहाँ देखते हैं, कोई ट्रेन इन ब्रिज भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और गाइस बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ चुकी हैं, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग कब से बन गई यार यहाँ पर मुंबई वाली रोड पे। तो यहाँ से गाइस अभी देख रहे हो क्या ही नज़ारे दिख रहे, तो बाहर से दिखाते हैं आपको। तो ये देख रहे हो गाइस क्या ही बादल वादल के टेक्चर आ रहे हैं, और ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है, और बाजू में ये पहाड़ भी हैं, तो मुझको तो काफ़ी मज़ा सा ही आ गया।
बिल्कुल गाइस, ये जर्नी तो बिल्कुल मेमोरेबल ही बन गई मेरे लिए। तो चलो और आगे देखते हैं, और बस थोड़ी सी दूरी पे हम पहुंच जाएंगे गाइस। हाँ गाइस, तो आगे ऐसा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, तो मैंने बाकी की जर्नी स्किप मारी। बस हम पहुंचने ही वाले हैं मुंबई में, और मुंबई में कदम रखते ही गाइस मैं तो बड़ा पाव खाऊंगा। आप लोग क्या खाओगे एक बार मुझे बताइए ज़रूर से। ओके तो चलो देखो, ये फिर से बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हम तो सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं, बस हमें इस गाड़ी को पार्क करना है और निकल जाना है घूमने के लिए। तो अभी ये देखो, यहाँ पर लोग खड़े हुए हमारा जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, अरे बाबा इन लोगों को भी जाने देते हैं, और फटाक से। तो यहाँ से गाइस अपनी गाड़ी निकल चुकी है, फाटक वगैरह खुल चुके हैं, और अपना आशीष चंचलानी भाई के ही घर जाना है हमें तो ये ट्रेन लेके। तो चलो जल्दी से हम पहुँच जाते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई अपना इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से अब मुझको रहा नहीं जाता, तो डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं स्टेशन के नज़ारे। तो ये गाइस अपनी आ चुकी है मुंबई, और हमें यहाँ पर रोकना है। ये राइट हैंड साइड पर नहीं रोकना है गाइस, हमें लेफ्ट हैंड साइड पर रोकनी है अपनी ये ट्रेन को। ओके तो चलो मैं देख लेता हूँ कि मुझे इसको कहाँ पार्क करना है। तो फटाफट से थोड़ा सा और आगे भगाते हैं अपनी गाड़ी को। बस बस वो दिख रहा है गाइस आपको, ऑप्शन दिख रहा है आगे रोकने का, तो मैं वहाँ पर इस गाड़ी को रोक दूँगा। तो यहाँ से अभी देखो पूरी अंदर के भी दिखाता हूँ कि लोग बाग चल रहे हैं कि नहीं। इस पे ये अच्छा चीज़ है कि मैं कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बस थोड़ा सा ही और आगे, और गाइस तुम्हारे भाई की जर्नी कंप्लीट हो चुकी। सो गाइस आई होप सो कि आपको इस वाली गेम प्ले में मज़ा आया हो। मुझे पता है कि गाइस आपको भी मेरे साथ घूमने में काफ़ी मज़ा है, तो प्लीज़ गाइस मज़ा आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो कि नहीं एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम और भी सिटी पर घूमेंगे और आपको भी मज़े दिलवाएंगे। ओके गाइस, तो चलो तुम्हारा भाई मिलता है इसकी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।